इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं रांची एयरपोर्ट पर, ये झारखंड पुलिस के एनआईए ने दिनेश गोप को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर आप देखिए रांची एयरपोर्ट से। अब एनआईए और झारखंड पुलिस ये तस्वीर आप देखिए सालों से फरार कर रहे थे तकरीबन जैसे एयरपोर्ट में लाया गया। आप देख सकते हैं ये तस्वीर देखिए दिनेश गोप को अब पुलिस में बिठाया गया है। ये तस्वीर देखिए न्यूज बायस्को पर दिनेश गोप को अब झारखंड ले आया गया है। एनआईए और झारखंड पुलिस ने संयुक्त रूप से नेपाल से गिरफ्तार किया था। दो दिनों पहले ही बीजेपी के नेता ने मामला भी दर्ज कराया था कि दिनेश गोप के द्वारा 10 AK-47 की मांग की जा रही है। तो ये तस्वीर देखिए तस्वीर देखिए आप रांची एयरपोर्ट से दिनेश गोप। तो ये तस्वीर आप देखिए झारखंड का सबसे बड़ा आतंकी कहे दिनेश गोप को अब झारखंड पुलिस और एनआईए ने गिरफ्तार कर ले आया है। 150 से अधिक मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और रांची के क्षेत्र में इनका आतंक था। पिछले 20 वर्षों से लगभग दिनेश गोप का जो है आतंक जारी था इस क्षेत्र में। तो अब रांची एयरपोर्ट से दिनेश गोप को पुलिस लेकर निकल चुकी है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो लंबे समय से इंतजार था झारखंड पुलिस को कि दिनेश गोप को गिरफ्तार किया जाए वो कामयाबी मिल चुकी है। झारखंड पुलिस और एनआईए ने संयुक्त रूप से दिनेश गोप को गिरफ्तार किया और सीधे रांची एयरपोर्ट से लेकर एनआईए रवाना हो चुकी है। एनआईए के साथ झारखंड पुलिस भी है और ये तस्वीर आप देख कर समझ सकते हैं कि कितनी सुरक्षा बढ़ाई गई थी रांची एयरपोर्ट पर। सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल बुलाए गए थे क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट से निकाल कर सुरक्षित ले जाना था। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो रांची एयरपोर्ट की है कि अब यहाँ से दिनेश गोप को लेकर रवाना हो चुकी है पुलिस। कई कहानियां हैं, लगभग 150 के करीब आपराधिक मामलों में पुलिस को तलाश थी दिनेश गोप की। अब दिनेश गोप पुलिस के हिरासत में है। लगभग 25 लाख का इनाम इनके ऊपर रखा गया था कि पुलिस कब गिरफ्तार कर पाती है, लेकिन अब कामयाबी पुलिस को मिल चुकी है।